चल भाई लोगो, देख सकते हो जैसे यहाँ बर्फ ही बर्फ है एंड इस बर्फ को तोड़ते हुए अपना जहाज जाके जा रहे हैं। एंड अभी कुछ टाइम बाद हम लोग वाले एम्पर्स वीडियो बना रहा हूँ मैं एंकरिंग प्रोसीजर्स पे, और वीडियो में शो करूँगा लेटगो कैसा दिखता है एंड हीव अप कैसे करते हैं। उससे पहले वी नीड टू स्टार्ट द विंडस मोड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड है। नंबर वन हाइड्रोलिक पंप, नंबर टू हाइड्रोलिक पंप ऑन है एंड उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं बिकॉज आजकल यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो ऑयल लेवल लाने के लिए टाइम। उसके बाद ही यहाँ पे आते हैं, वॉल चेक करते हैं अभी एंकरिंग की वजह से बिकॉज एंकर मूविंग के लिए भी चेक कर सकते हैं, एंकरिंग के लिए चेक करते हैं। तो अभी ये है वॉल एंकरिंग मोड पर होना है एंड यहाँ से हम टर्निंग करते हैं, वॉल खोलते हैं, हैंडल हिलाते हैं, ऑयल लेवल आ जाते हैं, तो हम अगेन क्लोज द वॉल ऊपर ले चलता हूँ। पोर्ट एंकर गिराने वाले हैं हम, पोर्ट एंकर ये बाउ स्टॉपर लगा हुआ है, यूजुअली मोस्टली वेट लेता है बाउ स्टॉपर, उसकी पिन भी लगी होगी दिखाता हूँ, बट उससे पहले दिखा देता हूँ एंकर। ये अभी अपना एंकर है, और ये हॉस पाइप, ये है बाउ स्टॉपर पिन लगी हुई है, और दिखाता हूँ आपको ब्रेक। ये है ब्रेक और ये है गियर। जब लेट गो करते हैं तो हम वेट ब्रेक पे लेते हैं एंड गियर में नहीं होता है जैसे कि अभी है। एंड ये है लीवर, ये अपना जहाज, और ड्यूरिंग डे टाइम हम एंकर का सिंबल डालते हैं, ये बॉल जो 4 मास्ट पे लगाते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट वी हैव एंकर्ड। सो एंकर के बाद ही हम लगाएंगे इसको एंड व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी तो आइस ही आइस है, शाम होने को एंड सून वी विल एंकर। के लिए हम लोग ब्रेक फुल टाइट करेंगे बिकॉज वेट पूरा ब्रेक पे होगा, पोस्ट ऑपर निकाला हुआ होगा एंड वो गियर में नहीं होगा। सो अभी दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। लेट गो पोर्ट एंकर, जस्ट बिकॉज ऑफ करेंट अगर ज़्यादा हो गया तो स्लाइड स्लाइड
वापस इंक्रीमेंट हो अपना जहाज़ थोड़ा ट्रैक कर सकता है। लेट गो हम इसलिए करते हैं ताकि जहाज़ थोड़ा ट्रैक करने के चांसेस कम हो, ग्रिप अच्छी मिल जाए इसी बेट। तो टोटली ऑन ब्रेक है और ये वाला जैसे आप देख रहे हो ये ऑन गियर है। ओके सो जैसे कि ये अपना इतना बड़ा जहाज़ है तो लोग सोचते हैं कि एंकर जहाज का रोल करता है, इट इज़ रॉन्ग। एंकर तो नीचे ग्रिप बनाता है एंड जो ये जो नीचे चेन जा रही है मोस्टली ये लेती है। ये जैसे अपना अभी डेप्थ है 30 मीटर तो हम बोल रहे हैं 7 शेकल्स एक शेकल है 27 मीटर्स तो मोस्टली एंकर चेन वेट लेती है, इसका वेट रहता है। एंकर का उतना वेट नहीं रहता है। यू कैन सी द मार्किंग ऑल्सो हर एक शेकल के बाद मार्किंग। एंड गाइस डोंट यू थिंक कि ये वीडियो मैं एक ही दिन बना रहा हूँ, जब जब हमारे एंकर स्टेशन हुए हैं तब तक मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दी है। जैसे अभी ये है ये अलग दिन की है। एंड डोंट यू थिंक कि मतलब मैंने एक ही दिन बनाई है, कभी भी लेट गो कर दे रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। चलो दिखा देता हूँ आपको एक और लेट गो, जब जब हुआ है भाई लेट गो तो लेट गो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, लेट गो एक और दिखा देता हूँ। एंकर ऑन ब्रेक एंड रेडी टू लेट गो। ओके लेट गो फॉर एंकर, लेट गो फॉर एंकर। Yeah, let's go by each other.